मुझे बस आज शादी करनी है, कुछ भी हो जाए उसकी मैं दवाइयाँ धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगी। एक दिन तो टाइम बोल लेगी उस नेता की, और वो सब कुछ बंगला गाड़ी वो पैसा किसका है, सब हमारा तुम्हारा ही तो है। अगर तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी है ना, हाँ। तो आज रात को उस नेता का काम निपटा देते हैं। क्या चल रहा है, मुझे मारना चाह रही है? मेरी घरवाली तो मुझे छोड़ नहीं सकती, ये नहीं कर सकती। अरे नेता, तेरी घरवाली तेरे संभाल तक नहीं जा रही, मेरे साथ खुश है वो, तूने फंसा रखी है तो ठीक है। क्या कह रहा है, 80 साल का होकर के बुड्ढे तू, क्या कह रहा है, किससे कह रहा है, किसके लिए कह रहा है तूने? हाँ। कह रहा है, क्या कह रहा है तू? मेरे लिए कह रहा हूँ मैं। क्या कह रहा है, ठीक है, मेरे साथ खुश है वो? कौन कह रहा है, किसने कह रहा है? मुझे पता है ना, पोस्टर जरूर तेरे को दिखाई देगा, पोस्टर तेरी आंखों में चश्मा लगाने के लगा, वैसे भी आप चश्मा लगा। अबे बगैर चश्मे के ही चश्मा है, और जैसा हाथ मत लगा दियो, खबरदार मत लगा दियो। का विषय मैं बोला, और तू करता क्या है? सच बोल रहा हूँ, बुरा लग रहा है तेरे को, सच बोल रहा हूँ, बुरा लग रहा है। क्या है, कुछ भी सही, तेरी लड़ाई खुश रख रहा हूँ मैं, कहाँ से तेरी बीवी खुश रख रहा हूँ मैं, किसी ने कह दिया? तू तो ले आया 25-30 साल की उठा करके, तेरी उम्र उतनी है नहीं, अब मैं तो खुश रख रहा हूँ अपने पास, मेरे साथ रह रही है वो, तू बता। अब तुझे किसने बहका दिया, वो मैं उसे भगा के लाया हूँ, यूँ कह के वो मेरे साथ आई है। अरे यार, तुम लोग लड़ना बंद करो, पहले बैठ के बात करो, क्या बात है, बात बताओ। नीचे बैठो, नीचे बैठो, हाथ धो रखिए, नेताजी नीचे बैठो, नेताजी बैठो, नेतागिरी निभा बस, जाकर ओए तुम इससे बात कर, बहुत देर हो गई तुझे, कुछ मत कर, ठीक है, क्या हो गई, क्या निकल यहां से, निकल क्यों, चल यहां से, चल, चाय से बता रहा हूं, बुरी लग रही है। अरे नेताजी बैठो, गुस्सा मत करो नेताजी, गुस्सा मत करो, तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ हो जाएगा आपको, फिर साथे तेरी अटक रही है, आधी घर घर तक कौन लेके जाएगा, फिर चार बंदे बुलाने पड़ेंगे आपको घर छुड़वाने के लिए, बैठो यार, अच्छे के लिए बता रहा हूं नेता तेरे को मैं, कहीं तू सोच रहा हो, बैठ जा यार, बैठ जा, कोई बात नहीं, तेरे अच्छे के लिए समझा रहा हूं तेरे को। नेताजी आप ना अभी अपनी तबीयत खराब मत करो, अगर आपको कल के दिन कुछ हो जाएगा, आपको घर तक लेके जाने में 2-3 हज़ार रुपए लग जाएंगे, आप रहते भी गांधीनगर हो, इतनी दूर कैसे आपको वो पहुंचाएंगे वहां तक? अरे इसके लिए ढकेल गाड़ी में इसे भेजो, तभी खुश रहेगा ये। अब आप नेताजी, आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपको टेम्पो में तो डाल नहीं सकते ना, जरूर कुछ अच्छी गाड़ी बुलानी पड़ेगी, एम्बुलेंस वगैरह उसमें छोड़ के जाना पड़ेगा, वो इतने पैसे लेंगे कहाँ से लाएंगे हम, बताओ, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा शांति से बात करो। आप खुद देखो 50-60 साल के हो, और आपकी घरवाली 25-30 साल की, आपकी शादी कैसे हुई, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भाई, इनने पैसे के दम पे शादी करी है बस, और कुछ नहीं है ना, आपको क्या पैसे दिखा करके, आपको क्या लगता है आपकी घरवाली आपसे प्यार करती है? ऐसा है, वो प्यार मुझसे बहुत करती है, ये मैं जानता हूँ, और वो आई भी मेरे पास शादी के लिए ही थी खुद। क्या कह रही थी, की मेरे से शादी करो? और आपने क्या बोला, कर लेता हूँ? अब आपने देखा मेरा आसपास आगे पीछे कोई है नहीं, मैं रंडवा हूँ, इससे अच्छा मैं शादी कर लूँ। और इसके अलावा चारा भी क्या है, जब सामने वाला आदमी आके बोल रहा है मुझसे शादी कर लो, तो आपने उसका ये देखा हो कहाँ की रहने वाली है, कहाँ की उठने वाली है, कौन उसका बॉयफ्रेंड है, कौन आज के टाइम में आके एक बार बताओ कौन सी लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं है? जी मैंने सिर्फ उसका रंग रूप और उसको देखा, सिर्फ मैंने उसका आगा पीछे कुछ नहीं देखा। अच्छा, कहाँ से आई है, क्यों आई है, कब आई है, और उसने भी मेरा आगा पीछे कुछ नहीं देखा। उसको तो पता था ना कि आप तो नेताजी हो, तभी तो आई है, ऐसे तो किसी और अंकल पे क्यों नहीं चली गई? एक लड़की 30 साल की लड़की एक 60 साल के बुड्ढे के साथ क्यों शादी करेगी? आपका दिमाग क्या घास चरने के लिए गया है क्या नेताजी? आप यहाँ पे आके इसके ऊपर हाथ उठा रहे हो, क्या मतलब बनता आपका हाथ उठाने का? एक तो ये अगला तुम्हें बोलने के लिए आ रखा है कि तुम्हारी घरवाली तुम्हारे से संभल ही नहीं जा रही, मेरे से आगे डेली बात करती है, तुम आगे इसको पकड़ रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो मतलब ऐसी 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 बात मैं बर्दाश्त कर लूं? अच्छा, तो आपकी घरवाली खुद इसके पास जाइए, आपको आगे अगर सच बताए तो एक काम कर, सच्चाई बता रहा हूं। नेताजी की घरवाली तुम्हें क्या क्या देती है, कितने पैसे देती है बात करने के लिए? हर महीने देते 25-30 हज़ार रुपए, तो मेरे को देते खर्चे के लिए, कहते तुम मुझसे बात करो बस, मेरे को घुमाओ, मेरे शौक मत पूरे करो। 25-30 हज़ार रुपए कहाँ से आते, कुछ काम तो नहीं करती सिर्फ आपकी घरवाली, और आपके पास बहुत पैसा, तो आपका पैसा उठा के बांट रही है, उसके पास वो बांट रही है पैसे भैया, सिर्फ उसको यूं कह रही है, अबे नीचे बैठ जा, तेरे को बीमारी है क्या खड़े होने की? मुझे नौकरी, चुप चोरी भैया, ऐसा है जी मुझे नहीं मालूम कि मेरे पीठ पीछे वो क्या कर रही है। ओके, तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर घरवाली आपकी कुछ गलत काम कर रही है, मान लो किसी के साथ दोस्ती निभा रही है अपनी शादी के बाद भी, तो आपको वो बात ना बताएं, बस जैसी दोस्ती चल रही है उसको चलने दें। अरे मैंने ये कब कहा कि वो मुझे बताए ना बताए, ये मुझे बताए ना बताए, तो ये जब आपको जब ये आपको बोल रहा है, आप इसकी ग्रेबान पकड़ रहे हो, उसको मार रहे हो, क्या तरीका ये? अरे जब मेरी बीवी मेरी नजरों में शरीफ है तो मैं इसको पकड़ूंगा। यहाँ का सिर्फ एक नेता जो आपके साथ बैठा हुआ,
यहाँ पे दादागिरी नहीं चलेगी, नेतागिरी नहीं चलेगी, यहाँ पे चलेगा सिर्फ सच। जो झूठा वो अपनी झूठ दिखाएगा। अगर वो बंदा आपको ये बोलने के लिए आया कि आपकी वाइफ मुझे महीने के 30,000 रुपये देती है सिर्फ मुझसे बात करने के, तो आपकी घरवाली तो कोई काम करती नहीं है, या उससे झाड़ू पोछा करवा दो, घर घर नहीं करवाते ना, हाँ अपनी इज्जत को तो ऐसे वो नहीं करोगे ना, तो 30,000 आपके घर से ही आ रहे होंगे। वो इसको दे रही है कि सिर्फ तुम मुझसे बात कर, इससे क्यों बात कर रही है वो, क्या मतलब मुद्दा क्या? मुद्दा ये है कि ये मुझे मुझे वो तो करे, इस बात का सबूत तो दिखाए। अच्छा तो उसके बाद मानोगे? हाँ जब मानूंगा मैं। अच्छा जब उसके बाद अगर हमने आपको सबूत दे दिया तो एक वो भी लेके ब्लेड लेके अपने मूछे अपने हाथ से काट लोगे, मुंडवा लोगे? अरे मैं काटूं या ना काटूं, मैं उसको तो जान से मार दूंगा। अच्छा उसको जान से मार दोगे? क्योंकि वो मेरे पास आई थी शादी के लिए, मैं उसके पास नहीं गया था, और मेरे से हर्जा खर्चा सब ले रही है, और मेरे पीठ पीछे वो इन सबको लुटा रही है पैसे, तो गलती मेरी नहीं उसकी है ना। अच्छा उसकी गलती है आपकी नहीं है, आप इस पे हाथ उठा रहे हो, आपकी गलती नहीं है। नहीं मैं तो इस पे कब हाथ उठा रहा हूँ, जब मुझे मालूम ही नहीं है इसके विषय में। इसको बता भाई, इसको थोड़ा इसको दोबारा थोड़ा बता। तुम्हारे जाने के बाद उसका सारा फोकस सिर्फ मेरे पे रहता है, मेरी नौकरी। तुम्हारे बाद वो इससे प्यार करती है, तुम्हें भगवान ना करे कल के दिन कुछ हो जाएगा तो वो इससे शादी करेगी। अरे मेरी नौकरी तक छुड़वा दी, मुझसे किसी मेरे से बात करो। मैं इस बात को मान रहा हूँ, लेकिन इस बात को कोई सबूत तो हो, जब तो मानूंगा। अच्छा सबूत चाहिए। मैं तुम्हारी इज्जत के लिए पहले तुम्हें बता रहा हूँ, सबूत भी मिल जाएगा तुम्हें। ये लड़का ये कह रहा है, ठीक है, ये लड़का ये कह रहा है। ये लड़का नहीं है, आपकी वाइफ का होने वाला पति है। चलिए साहब, मेरी वाइफ का होने वाला पति ये कह रहा है मुझसे कि मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी इसके साथ एंजॉय करती है, रंगरलियां मनाती है और इसे पैसे देती है। वो ये सब नहीं बोल रहा, अब ये वाली बात तो आप बोल रहे हो, मतलब आपको पता है पहले से शक है। नहीं मुझे नहीं पता, ये बात तो इसने बोली नहीं। उसने मुझसे भी क्या बोला? ये बोला कि वो मुझसे प्यार करती है, सिर्फ मुझसे बात करो, तुम काम छोड़ दो, काम छोड़ दो है, और इसके लिए वो इसे 25,000 से 30,000 रुपए महीने देती है। अपनी मर्जी से दे रही है वो, क्योंकि उसके पास इतना घर पे पैसा पड़ा है, उठा के अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है। नेता उसका हस्बैंड है, अलग दुनिया चल रही है भाई। मैं बता देता हूँ, नेता जी की वाइफ जो है इस बंदे से बात करती है और इससे प्यार करती है, और इसको प्यार करने के बदले 30,000 रुपए देती है कि तू अपनी नौकरी छोड़ दे, जब मैं तेरे से बात करना चाहूँ, जब मैं तेरे से मिलना चाहूँ तो तू मेरे से मिल, तू काम वाम छोड़ दे, तेरे को सैलरी दूंगी मैं घर बैठने की। और यहाँ पे अगर नेता जी को हम कह रहे तो नेता जी हमारे ऊपर आके शादी करती है। नेताजी आपने अपनी दाढ़ी वाइट करी है, ऐसे थोड़ी ना करी है हमने भी अपने ये वाले बाल, ऐसे ही ब्राउन थोड़ी ना कर लिए, ये दुनिया देख देख के अपने बाल हमने ब्राउन करे। अरे जब मैं एक ही कुड़िया ब्राउन रंग नहीं सुना ना गाना हनी सिंह का। अरे वो अपनी घरवाली तो पहले संभाल लो, दुनिया की आके पहले आप गिरबाने पकड़ रहे हो, यूं यूं कर रहे, गिर जाएगा कल के दिन कुछ हो जाएगा उसको। फिर बुला भाई, मैं मतलब कि मैं अपनी घरवाली से बात करूंगा। या ओ भाई तू नेता की घरवाली को बुला सकता है? यहाँ बुला दूंगा भाई, मैं नेता की कान खोल सकता, बिल्कुल खोल दूंगा, नेता की आंखें खोल सकता। अरे बिल्कुल खोल दूंगा भाई, सामने बैठा करके दिखा दूंगा। अरे मतलब तू नेता का सब कुछ खोल सकता है ना, सिस्टम हैंग कर सकता है ना? हैंग कर दूंगा। तो उस नेता का सिस्टम हैंग करके दिखा मुझे। हैंग कर दूंगा, मैं उसे ही बुला रहा हूं। उसकी घरवाली को बुला, उसको दिखा के भाई मैं खुद प्यार नहीं करता, वो मेरे साथ प्यार करती है और अंधाधुंध प्यार करती है। अगर मैं उसको बोलूंगी शादी कर तो करेगी, कर लेगी। वो तो कह ही दिया मुझसे, मुझे दिखा। नेता आया हमारे सामने, पैसे और ले लो। नेताजी हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप किसी गरीब बंदे पे इसी गिरेबान से हाथ उठा नहीं सकते। ये आपकी बहुत गलत बात लगी मुझे। अरे भैया नहीं, ये गलत बात लगी मुझे आपकी। गलत हो आप। अरे आप बोलो ही मत। नहीं बोलना। हाँ तो बोलो ही मत, आप गलत हो। क्यों बोलोगे? क्या सफाई दोगे? व्हाइट कपड़े पहनने से, व्हाइट कुर्ते पहनने से ना अंदर की गंदगी नहीं मिट जाती नेताजी। दिखाओ मेरे को, मैं भी देखूं। सारी आप जैसे बोलोगे वैसे ही करें। वैसे मत करो, मैं आप अपने सिस्टम से कुछ ना करें। मतलब कि आप पहले खड़े हो जाओ, इस पेड़ पे बैठ जाओ। अरे अपने सिस्टम से आप उधर जाओ, उधर जाओ पेड़। ओ भाई कैमरा रखाओ अंकल जी, नेता जी पे लगाओ। अंकल जी इधर 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 पेड़ पे चढ़ो, पेड़ के उल्टे वाले जल्दी जाओ, कैमरा आपके ऊपर ही है, जल्दी पेड़ पे चलो, चढ़ो चढ़ो जल्दी, छुप जाओ यहाँ पे, चढ़ो चढ़ो इधर इधर वाले साइड छुप जाओ, जल्दी जल्दी छुपो, छुप जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको हेडफोन देंगे हम, यहाँ पे लगा लेना और यहाँ से देखते रहना तुम्हारी घरवाली यहाँ पे इसके साथ क्या कर रही है। इधर ले आओ भाई कैमरा। भाई अभी क्या होगा, ये घर को मतलब नेताजी की घरवाली को करेगा फोन, यहाँ पे बुलाएगा, सच झूठ जो भी होगा आपके सामने आएगा,
होप आप वीडियो को एंड तक देखो। नेताजी की घरवाली अच्छी है बुरी है, ये अच्छा है बुरा है, नेताजी बुरे हैं अच्छे हैं, बस आप एक काम कर देना, नेतागिरी दिखा देना चैनल सब्सक्राइब करने में, फ्री का बटन है प्रेस कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। अरे यार मैंने तुम्हें बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। बोलो। मुझे ना आपसे शादी करनी है यार। अरे तो शादी करने के लिए मैंने मना थोड़ी करा है, करूंगी ना। मुझे बस आज शादी करनी है, कुछ भी हो जाए कैसे भी करो तुम। अरजेस्टमेंट क्या है, ऐसा क्या हो गया, आज क्यों इतने पागल हो रहे हो? बस ऐसे ही मुझे शादी करनी है, मेरा मन है। आप इतने टाइम से मुझे बोल रहे हो, तुमने मेरे को हर चीज से रोक रखा है। बात सुनो, अभी वो जो नेता है ना उसकी दवाइयां मैं दे रही हूँ उसको। अरे यार हर जगह वो नेता 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 भाड़ में जाए, नेता भाड़ में कैसे जाए यार? मुझे उस नेता से मतलब थोड़ी ना यार, नेता से ही तो नोट आ रहा है, पैसा आ रहा है। अरे यार उसका पैसा ना ठीक है, चलो आ रहा है तुम्हारे। बात सुनो, मेरी बात को समझो, प्यार से समझो। देखो अभी उसकी चल रही है दवाइयां, उसकी मैं दवाइयां धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगी। एक दिन तो टाइम बोल लेगी उस नेता की। अरे और वो सब कुछ बंगला गाड़ी, वो पैसा किसका है? सब हमारा तुम्हारा ही तो है। वो तो बात तुम्हारी ठीक है, चलो हमारा तुम्हारा है, लेकिन कामे काम हमारे टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है ऐसा करके यार? टाइम बर्बाद हो रहा है यार, तुम आराम से बैठे हो, मैं आराम से हूँ, तुम्हें पैसे देती हूँ, महीने के पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, तुम्हारा खर्चा मैं तुम्हारा उठा रही हूँ ना। अरे खर्चा उठाने से क्या फायदा, तुम साथ में नहीं हो तो तुम्हारे साथ रहना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जब बुलाओगे मैं जब आऊंगी तुम्हारे पास। देखो अगर तुम मुझे शादी नहीं करोगे तो मेरी शादी कहीं और भी हो सकती है, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी है। मत कहीं और करना, बस मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं नेता की बीवी हूँ, वरना मैं तुम्हारा देखना क्या कर दूंगी तुम्हारे साथ। यार तुम ब्लैकमेल भी करती हो तो ठीक है, नहीं शादी नहीं, उस नेता के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ठीक है नहीं, बस दोबारा मत बोलना कि तुम किसी और शादी कर लोगे, मैं नेता की बीवी तुम्हारे को ना तो ऐसे करवा दूंगी अंदर यार। ठीक है सोचना भी मत इस बारे में, तुम शादी कर लो ना मेरे से यार, मैं तो कह रहा हूँ ना, तुम खुद भी नहीं कर रही हो, मुझे करने भी नहीं दे रही हो शादी, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम्हारा खर्चा मैं तुम्हें दे तो रही हूँ बाबू, और तुम्हें क्या चाहिए? जब बात करो बीच में नेता नेता, जब बात करो नेता, वैसे भी रुड़कने दिमाग का दही बना रखा है तुमने यार। इसलिए करी है मैंने उससे, वो रुड़क जाएगा। तुमसे मैंने कहा था ना शादी से पहले भी, तुमसे मैंने कहा था कि मैं उससे शादी कर लूंगी, वो बुढ़ा तो है ही खता, आज नहीं तो कल तक टपकेगा ही वो। अरे यार जब उसके साथ जो होना होगा ठीक है, तुम जो नेता की चक्कर में पड़ के ना तुम्हें सिर्फ पैसे पैसे दिखाई दे रहा है बस, ये तो तुम प्यार देख लो। मुझे ना तुम भी दिख रहे हो और पैसा भी दिख रहा है, क्योंकि पैसा अगर होगा तो हम अपने ऐश की जिंदगी आराम से जिएंगे ना। तो तुमने नेता से पहले ऐसे करो तो तुम्हें शादी क्यों करी थी फिर? मैंने शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। अरे यार फिर वही घूम फिर के बाद पैसा, तो तुम्हारे नाम इतना पैसा हो तो क्या है, अब कम है क्या? कहाँ इतना पैसा है, इसमें क्या करेंगे? लाखों रुपए तुम्हारे नाम करवा दिए नेता ने, तुम्हारे पास ही पड़ जाते हैं। चाहिए मुझे उसका बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए। अरे यार मुझे सब कुछ चाहिए। नेता ने तुम्हें इतनी सारी चीजें दे रखी है, सोने जेवरात है हर एक चीज है, क्या है कुछ नहीं है, मुझे सब कुछ चाहिए। उसका जो सब कुछ है ना वो हमारा तुम्हारा बस और किसी और का। अरे मुझे मत दो यार, मैं तुमसे कौन सा मांग रहा हूँ, बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम शादी कर लो मेरे से, बात खत्म कर दो यहीं पर ही सारी। नेता बेटा जाए भाड़ में, अभी मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकती हूँ, अभी थोड़े दिन कुछ तो मेरी कहीं और शादी होगी तो मुझे मत रोकना, पहले बता रहा हूँ। फिर करने दूंगी मैं कहीं पे भी तुम्हें और दूसरी यार, ये तो तुम्हारी जबरदस्ती हो गई फिर। नहीं मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे रही हूँ, तुम्हें खर्चा दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, पर शादी नहीं करोगे तुम कहीं पे भी यार आगे। और शादी के बारे में तुमको दोबारा सोचना भी नहीं, आगे घर वालों को शादी के बारे में दोबारा सोचना भी नहीं। मैं तुम्हें खर्चा दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ ना, मैं इतना सब कुछ झेल रही हूँ यार, तुम्हारे पीछे मैंने पैसे के लिए उस बुढ़े से शादी करी, मैंने उस नेता से शादी करी। तुम्हें मैं किस तरह समझाऊं यार, तुम मुझसे या तो मत दिलाना यार, ये तो खामे खाम वाली बात है ना कि गुस्सा मत दिलाना, जबरदस्ती वाली बात है तो गुस्सा आ गया ना तो मैं समझ भी नहीं सकते मैं क्या कर दूंगी। जब मैं उस बुढ़े को उसके पैसे के लिए उसके ऐसा उसका कर सकती हूँ ना, उसको दवाइयाँ दे सकती, मार सकती हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ भी क्या कर सकती हूँ? तो कल को तुम मेरे साथ भी ऐसा करोगी, इसका मतलब यह है बोलेगा। तुमसे प्यार करती हूँ ना, तुम्हारे साथ क्यों करूंगी, उससे मैं प्यार थोड़ी करती हूँ। तो उसको छोड़ो, मैं प्यार नहीं करती तो यार, किसी का ज्यादा लालच लेना बुरी बात है भाई, समझ क्यों तुम नेता के चक्कर में तो अपने आप को बर्बाद क्यों कर रही हो, छोड़ना उसको। चाहिए सिर्फ उसका पैसा चाहिए मुझे, वो बुड्ढे से कोई मतलब नहीं है। वही वाली बात, नेतागिरी से ना मुझे कोई मतलब नहीं है, इधर जाता उधर जाता, वो व्हाइट कपड़े पहनता, मैं नेता हूं नेता हूं नेता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे। अरे वो नेता है तो नेता बनेगा, नॉर्मल सी बात है, लेकिन तुम तो मत बनो वैसी। छोड़ना उसकी हालत पे, पैसा मुझे चाहिए, निकालना है ना। तो तुम्हारे पास इतना पैसा आ तो यार, कितना पैसा चाहिए तुम्हें और? यार क्या पैसा है, 30,000 रुपए का पैसा होता है वो, तो मैं तुम्हें ऐसे दे देती हूँ तुम्हारे को, मैं इतना तो मुझे नहीं चाहिए इतना, मुझे इससे और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, जो उसका सब कुछ चाहिए मुझे। मुझे तुमसे शादी करनी है, अब तुम ये बताओ लास्ट डिसीजन कब होगा, कब तक का तुम टाइम ले रही हो, कब तक का टाइम ले रही हो भाई, मेरे को तुम टाइम बता दो। नहीं कर सकती कब तक, जब तक वो बुढ़ा नेता मरेगा नहीं।
अब मैं मतलब उसका पहले इंतजार करूं और इन बीचों में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। टाइम नहीं है, मैं दवाइयां बढ़ा रही हूं उसकी, ज्यादा टाइम नहीं है यार, ज्यादा टाइम नहीं है। ऐसे इंतजार में जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो रही है ना, ना मैं यहाँ कर रहा हूँ ना मैं वहाँ कर रहा हूँ। कमाना नहीं पड़ रहा, नौकरी जाने पड़ता, पैसा आराम से मिल रहा है, आगे की लाइफ नहीं सोचूं मैं अपनी। मैं हूँ ना, मैं सोचूंगी सब कुछ। अरे मैं यार, सब ये कोई बात थोड़ी ना होती है कि मैं हूँ तुम तो एक ही बात बोल रहे हो बार बार। सोचूंगी सब कुछ, मैं देखूंगी सब कुछ, मैं करूंगी तुम्हारे लिए, बस तुम मेरे साथ मेरे से बात करते रहो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी तुमसे बात कंटिन्यू है यार, मैं कहीं और शादी करने तो मुझे धमकी देती हो कि तुम मुझे मरवा दोगी। तुम शादी नहीं करोगे भाई, तुमने तो नेता फंसा रखा है, तुम कुछ भी करवा दोगी मेरे साथ, रियलिटी है ये। वो तो है ही, ठीक है, नॉर्मल बात है। और तुम खुद कुछ शादी करोगी नहीं, मतलब मैं तुम्हारे लिए उस नेता को धोखा दे सकती हूँ, तुम मुझे धोखा दोगे? मैंने धोखा देने के लिए क्या बोला, मैं तो करो तो मुझसे अभी शादी कर लो। मैं अभी शादी नहीं कर सकती, जब तक वो नेता नहीं जाएगा ना, जब तक मैं शादी नहीं कर सकती यार। या तो तुम्हारे का हाथ जोड़ रहा हूँ यार, ऐसा मत करो यार, प्लीज यार, मेरा साथ दो, दोनों मिलकर उसको कर देते हैं उसका काम आज। यार मैं किसी की ऐसा नहीं कर सकता, किसी के साथ ऐसा नहीं है। दवाइयों का इंतजार करने मैं एक अच्छे घर का लड़का हूँ, वैसे मैं गरीब हूँ। अरे दवाइयों से वो धीरे धीरे मरेगा, तो एक काम करो ना, आज रात को हम दोनों मिलकर कर देते हैं काम। यार देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता है, बेशक मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी इतनी गंदी सोच नहीं है किसी को लेकर के, ठीक है। गरीब कुछ नहीं होता, ठीक है। अरे तुम्हें तो पैसा पैसा दिख रहा है, बस चारों तरफ पैसा पैसा दिख रहा है तुम्हें, ना किसी की जिंदगी ना मौत दिख रही है। शादी 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 तो क्यों नहीं दिखेगी यार, शादी कर लेंगे ना, शादी का मैं भाग के जा रही हूँ। कब कर लेंगे, कब कर लेंगे भाई? अब तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुमने मुझे यहाँ पे लड़ने के लिए बुलाया है क्या? गुस्सा करने मैंने लड़ने के लिए बुलाया, मैंने तुमसे ना बात करनी थी और समझाना था तुम्हें, मैं तुम्हें वही बात समझा रहा हूँ, ठीक है। और मैं भी नेता पिता का चक्कर छोड़ो, या तो अपने लाइफ में देखो या मुझे देखो। मैं अभी शादी नहीं कर सकती, अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो मिलके इस नेता का काम करवा दो। तो यार तुम अपने नेता के साथ खुश रहो, मैं उसके साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। ये जबरदस्ती वाली बात हो गई ना, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। मुझे इस तरीके से नहीं रहना यार तुम्हारे साथ, जबरदस्ती वाले तरीके से। या तो तुम मेरे साथ रहो, पर्सनल रहो मेरे साथ, पर्सनल मेरे साथ रहो, चाहे दो रोटी मिले हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हम अपने लिए इतना कमा लेंगे, हमें खा लेंगे, हमें किसी का फालतू इतना मिल रहा है तुम्हें, उतना में तुम खुश रहो। जहाँ मेरे पैसे की धंधौलत मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी से गलत नहीं कर सकता यार। जो मैं पैसा देती हूँ वो भी क्यों लेते हो? मत दो तुम पैसा, क्यों लेते हो? तो भाई तुम जबरदस्ती करती हो ना कि तुम लो, कहीं काम मत करो, काम पे जाओगे तुम लड़की ताड़ोगे, ये करोगे वो करोगे, तुम्हारे इतने सारे इंजाम है, मैं क्या करूँ? मेरा घर परिवार है, उसको भी चलाना है, अपना घर भी तो देखना है मुझे, मैं क्या करूँ? तुमने मुझे फंसा रखा है हर जगह से, कहीं जा सकता नहीं, कहीं घूम सकता नहीं, हर चीज़ करूँ तुमसे पूछे करूँ, नहीं करूँ तो तुम्हारी धमकी भरे, पिटवा दूंगी, मरवा दूंगी, ये करवा दूंगी। भाई तुम्हारे पति तो नेता है, तुम कुछ भी करवा सकती हो। अब कोई एक रास्ता तो बताओ जो मैं कुछ ऐसा करूँ। बस ये बताओ मुझे, अब तुम्हारा डिसीजन क्या है, चाहते क्या हो? मुझे तुमसे शादी करनी है, इनडायरेक्टली बात यह है, और शादी अगर तुम अभी मुझसे नहीं कर सकती हो अच्छा, तो अपना रास्ता देख लो, अपने नेता के साथ खुश रहो। नेता वो है जो अभी जो नेता है, उसका क्या करूं? उसे छोड़ो ना यार, मेरी जगह पे हमें उसे क्या मतलब है? मैं छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन जो उसकी दौलत है, जिसके जिस चीज के लिए मैंने उससे शादी करी थी, वो सबको छोड़ दूं? भाड़ में जाए दौलत, मैं वो नहीं छोड़ सकती। तो मुझे छोड़ दो यार, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती। ये कौन सी बात हुई ना, तुम दौलत छोड़ने का नाम ले रही हो ना मुझे छोड़ने का नाम ले रही हो। क्यों छोड़ दो, मेरी है वो दौलत, मैंने शादी इसलिए करी थी, उससे अपनी इज्जत लुटाई, सब कुछ करा, मैंने शादी करी। यार ऐसा पैसा किसी काम का नहीं होता है, समझो मेरी बात। तुम वो बसर चाहिए नहीं जिसमें तुम पढ़ रही हो, ठीक है। मुझे नेता बेटा का ना कोई नाटक चाहिए नहीं अपनी लाइफ में। अरे यार बस तुम या तो उसको छोड़ दो, तुम उससे शादी करो, बात खत्म करो सारी, ठीक है। नेता बेटा का मुझे नाटक चाहिए ही नहीं। अगर तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी है ना, तो आज रात को उस नेता का काम निपटा देते हैं। अरे यार फिर वही वाली बात, मैं ये चीजें नहीं कर सकता यार। अरे उसका काम निपटा देते ना, फिर मैं तुम्हारी, और देखो अभी मैं तुम्हारा खर्चा भी दे रही हूँ, अब उस नेता के साथ भी हूँ, तुम्हारा भी काम चल रहा है, वो नेता भी खुश है, तो अभी और हमें चाहिए क्या? नेता बेटा जाए भाड़ में, मैं खुश नहीं हूँ ना इस चीज से। अरे मुझे भी तो खुश होना चाहिए। अभी मैं 30,000 दे रही थी ना, अब मैं तुम्हें 50 दूंगी, लेकिन मेरे साथ उस नेता को निमटा दो। मतलब मैं तुम्हारे पैसों के चक्कर में अपनी जिंदगी के ऊपर थूथू करवा लूं? शादी करेंगे ना, मैं शांत बैठा रहा हूँ यार, किसका पैसा किसका क्या, मैं ईमानदार हूँ यार, मुझे सब चीजें नहीं पसंद आती। तुम्हें पैसा दिखता होगा, तुमने पैसा के लिए सब कर लिया, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। वो तो मैं तुमसे तुम्हें शादी भी करनी है, ठीक है, और तुम उसको निमटाना भी नहीं चाहते हो, फिर क्या होगा? तो तुम उसको छोड़ दो ना यार। तो उसको ऐसे छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो सब कुछ ऐसे ही। अरे जो इतना पैसा है, इतनी दौलत है, सब कुछ है, मैं अरे यार पैसा 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 मुझे तुम्हारा समझ ही नहीं आ रही, तुम क्या कह रही हो यार? छोड़ो ना उसको सब कुछ, पैसा वैसा नहीं चाहिए यार।
प्यार क्या है, पैसे की क्या वैल्यू है? मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती। तो मेरे लिए छोड़ो ना उसको, बुड्ढा नेता बुड्ढा जो भी है वो भाड़ में जाए। छोड़ूंगी उसे तो मैं, लेकिन उसका पहले काम निपटा देते हैं आज रात को, फिर उसे छोड़। उसका पैसा सब कुछ वो हमारा ही है। यार तुम क्या बोल रही हो, वो नेता है, अगर ऐसी कोई बात हो गई ना तो तुम जी पाओगी? तुम्हें लग रहा है पूरे क्षेत्र में तुम्हारा नाम उड़ जाएगा? क्यों नहीं रहे हो? क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, मैं तो बात करने आई थी। वैसे ही आपके काम के लिए कोई बात थी, नेता उसने कुछ बोला था मेरे से काम करवाने के लिए। कौन सा मेरा काम? काम करवाना है क्या है? सुन लिया अपने मुंह से नेताजी, तुमने सुन ली? तुम मेरे से बोल रहे थे कौन सा काम? नहीं नहीं, इसको कोई काम करवाना था तो मैं इसलिए बुलाया था इसने मुझे। मैंने कहा मैं बात करूंगी, बात कर। मैंने बातें सुनी नहीं है क्या? हेलो, ए मेरी तरफ देख, मैंने बातें सुनी नहीं है क्या? मुझे मारना चाह रही है? नहीं नहीं, अरे मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हें जो भी कोई काम है मुझे बता देना, मैं बता दूंगी। मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। तू मुझे मारना चाह रही है क्या? इशारे में करो, बात क्लियर करो यहाँ पर सारी। कुछ नहीं है ऐसा, कोई बात ठीक है? बात सुना? हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बात करने आई थी। कौन सी बात? कोई काम करवाना था। कौन सी बात? क्या नेता को मार देंगे? नेता से प्यार नहीं करती? नेता के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, ये समझाने आई थी? और नेता का पैसा रखेंगे? वो शादी अच्छा। मुझसे मेरी शादी करवा दो नेता को बोल के। अच्छा मतलब कि गलत मैं सुन रहा हूँ? गलत मैं सुन रहा हूँ? करवा दो मेरी नेता से, बोलो कोई लड़की ढूंढ देंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं शादी करवा दूंगा नेता से बोल के। अच्छा मतलब ये खुद कह रही है मेरे से शादी करने के लिए? सुन लिया भाई, तुमने नहीं कहा था? और हेलो ऐसा कुछ मत करो आप, पता है यहाँ सब बातें खुल चुकी है, तुम्हें क्या लग रहा है? ठीक है, जो बात हुई है वो मैंने सुन ली है। सुनी ना तुमने? सुन ली है मैंने। अब भी गला तू? नहीं, तुम मेरे गले बांध पर कर रहे थे ना, मुझे मार रहे थे ना तुम? अरे भैया जब मैंने नहीं सुना, कुछ नहीं देखा, तभी तो मैं तुम पे हावी था। अब मैंने सुन लिया तो मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। बात करेंगे, कहाँ जाऊँ? जो बात यहाँ क्लियर होगी। वो शादी के लिए बोल रहा था, वो किसी भी चीज के लिए नहीं बोल रहा। तू उसके पीछे पड़ी रही है, वो रिश्ता करवाने जा रहा किसी और से। अपना किसी का कोई रिश्ता नहीं हो रहा तो मैं, अरे तुम्हारे मुझे मुझे खड़े खड़े बेवकूफ बना रही है। तुझे शर्म नहीं आ रही? क्यों ही मेरे पास शादी करी थी यार? मैंने तुम्हें शादी करी थी, मैंने तुम्हारी उम्र भी नहीं देखी, फिर भी मैंने तुम्हें शादी करी। क्यों करी? मैंने तुझसे कही थी क्या? क्या तू मेरी उम्र देख के शादी कर? मैंने कहा था तुझसे, अरे मैंने कहा था। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं तेरे? तूने सुनने सुनाने को क्या रखा है? आप मुझसे प्यार करते हो ना? मैं आपसे, ये लेकिन ये ना, ये तू मुझसे ऐसा सुन ले, ए तू जो कह रही है ना कि तुम मुझसे, मैं तुमसे, तू मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे पैसे से प्यार करती है, और मेरा पैसा देख के ही तू मेरे पास आई। हकीकत वही है नेताजी, हकीकत वही है। हाँ भाई मैंने सुन भी लिया और समझ भी गया मैं। मेरी जिंदगी जो तुमने बर्बाद करी है ना, पैसों से चीज नहीं होती, ठीक है? इंसान का सम्मान भी होता है कुछ। तू कहीं की भी नहीं रहेगी, किसी भी चीज की नहीं रहेगी। पैसा चाहिए तुझे, इसीलिए शादी करी थी मेरे साथ? कुछ नहीं है, नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना, नहीं है ऐसा कुछ भी। क्यों बोल रही है? बात को सुनोगे, बैठो तो सही, सुनो तो सही। कुछ नहीं बैठ रहा, कुछ नहीं सुन रहा। नहीं नहीं, एक मिनट, इनके पहले बात तो सुन लो, क्या कहना चाह रही हो तुम? अब एक सेकंड, अब तुम एक दवाई देने के निपटा रही है? अरे तुम एक नया झूठ बोलो और क्या बोलोगे अब, बोलो। दवाइयाँ तो आपके मैं बीमार और इसलिए देती हूँ ना। बीमार हूँ? अरे तू मुझे धीरे धीरे जहर दे रही है, बीमार हूँ मैं? दवाई तो मैं इसलिए देती हूँ, बीमार हूँ मैं इसलिए दवाइयाँ देती हूँ। देख लिया नेताजी, आ गया प्रूफ देने के लिए आपकी घरवाली? देख लिया, देख लिया अपने घरवाली को? बिल्कुल देख लिया। तो बोलो ना अपनी घरवाली को, हमें क्यों देख रहे हो? बोलूं ये है क्यों देख रहे हो? हमें क्यों देख रहे हो? इसको क्यों मार रहे थे? इसको भाई साहब क्यों करो उसने? अरे बोल तो, ये गलती है कि सर आपकी घरवाली इसको बोलती है मेरे से बात करो तो ये बात करता? अरे ये गलती है, मैंने जब कुछ देखा ही नहीं तो मैं घरवाली संभाली नहीं जा रही नेताजी, दूसरों को आगे पकड़ के वो कर रहे हो यार। कि मेरी घरवाली तो सत्री है, मेरी घरवाली तो मुझे छोड़ नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। ओ भाई साहब क्या कहा जा रहे हो? शादी हो रही है क्या आपकी दूसरी? यहाँ पे आके बात करो ना, है ज्यादा आग मच रही है क्या आप में? ज्यादा आग मच रही है क्या? बकवास कर रही है? कुर्ता पर्ता पहन के ना कोई नेता नहीं बन जाता, पहले अपने घर को संवार लो, सुधार लो। अब यहाँ पे आपका ये कुर्ता उतारूंगा, बटन खोलूंगा, कुर्ते के बटन खोलूंगा, यहाँ पे आपको नंगा करूंगा जब अच्छा लगेगा क्या? बकवास कर रहे हो? मेरी घरवाली ऐसी नहीं, नेता की घरवाली है, गरीब से बात कर रही है और
इसको देख लो, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, कौन सी शादी? अरे शादी तुमसे कोई शादी बात नहीं, तुझसे शादी करूंगा मैं, चल दूर को, तेरे शादी करूंगा मैं, तो फिर शादी क्यों नहीं हुई? इतने पैसे होने के बाद सब पहले तो किसकी थी उसकी? मैंने उसको भी छोड़ रही हूँ तुम्हारे पीछे, मैं उसको पैसे कुछ छोड़ रही हूँ। मेरी शादी के बाद हो चुकी है, मेरे घर वालों ने कर लिया बात, ठीक है, मैं तो तुझसे पैसे छोड़वाना चाहता भैया, तू जा। और इसी ने आज नेता को बुलाया था यहाँ पे कि देख लो अपने घरवाली की सच्चाई। तेरे से ना मैं बहुत परेशान था, जाना कहीं नहीं, इनके मर्जी से उठूं, इनकी मर्जी से बैठूं, इनकी मर्जी से सोऊं, ताकि तुम कहीं ना जाओ, ताकि तुम कहीं ना जाओ। अच्छा तो खरीद लिया था तुमने इसको नेता के पैसों से, तुमने खरीद लिया था उसको नेताजी के पैसों से? अच्छा इससे पहले तूने किसी और से शादी करी थी? इससे नेता नाना नेता से पहले तूने किसी और के साथ शादी करी थी? पहली शादी नेता के साथ, दूसरी शादी इसके साथ, तीसरी शादी क्या? अब शादी है या खिलौना है क्या है? शादी करूंगी बस। एक कुर्ता, एक कुर्ता उसको सीलिंग के लिए डाल दो, कल कोई भी कलर हो जाएगा, हद है यार, एक टाइम पे तीन तीन शादियां कौन करता? अरे मैंने तो इसका मैडम, और आपके नेता ने ना कैमरा भी लगवा रखा, वो देख लो, नेता ने बोला था कैमरा लगा लो, मैं ये वीडियो पूरे अपने उसमें दिखाऊंगा, जितने लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और जिन्होंने मेरे को ये नेता बनाया, सबको वीडियो दिख रही है ये कि नेता की घरवाली नेता की घरवाली किसी गरीब बंदे से बात कर रही है और उसी के साथ शादी करना चाहते है, बहुत बढ़िया, नेता को भी तो पता लगा, उसका भी तो मुंह उतर गया। मेरा तो पीछा छोड़, मैं तो कह रहा हूँ काली स्याही ले आओ अपने मुंह पे लगा लो, मुंह काला कर लो अपने आप नेताजी अपना, इसने तो आपका मुंह काला कर दिया, दुनिया को पता लग गया। जो अपनी बीवी ने संभाली पाते हैं, ऐसा ऐसा कौन सा नेता जो अपनी इससे घरवाली नहीं संभाली जा रही है, कोई और आके तुम्हारी घरवाली संभाल रहा है, वो भी चंद पैसों के लिए, अब पहले किसी और के साथ शादी करी, अब आपके साथ शादी कर रही है, कल किसी और के साथ शादी करेगी, फिर इसको छोड़ के किसी और को पकड़ लेगी, ये क्या तरीका होता? अच्छा लड़का दिखाई दे कोई भी, मुंह तो वही मारना है, वही जाना है। मैं इसके लिए उससे लड़ रहा था, उससे लड़ रहा था, मारपीट कर रहा था, तो ये शर्म नहीं आई बिल्कुल भी है? बताओ एक बात बताओ, दुनिया वाले जब ये वीडियो देखेंगे कि नेता की घरवाली किसी और के साथ बात कर रही थी, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या बातें कर रहे होंगे? बुड्ढे के साथ कब तक रहूंगी? अच्छा तो जब शादी करने से पहले नहीं दिख रहा था कि 50 साल के बुड्ढे के साथ एक 30 साल की लड़की शादी कर रही है, अब जब अपने जेब भर लिए, पैसा पूरा मोटा अपने नाम कर लिया, एक एक फ्लोर ले लिया अपने लिए, अब पता लग रहा है बुड्ढा, वाह। 6 महीने में ना 6 करोड़ रुपए निकाल चुकी है इससे, 6 महीने में, और बोल दे कर नहीं निकाले बता। अरे मैं जब भी हूँ, पहले जिसके पास एक साइकिल नहीं थी ना, आज उसके पास फ्लोर है, मुंह मत छुपा, सच्चाई जब सामने आती। क्या 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 नहीं करा इसने तेरे लिए, सब कुछ दिया तेरे को, और ऊपर से मुझे ब्लैकमेल और करा जा रहा था। जब ये तुम यहाँ पे बात कर रहे थे ना, जब तुम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे ना, तो इसने मेरे को पता है क्या बोला कि भाई साहब इसको मैंने 3 करोड़ रुपए का एक फ्लोर लेके दे रखा, और मेरे को नहीं पता कि मेरी घरवाली ऐसे निकलेगी। खुल गई आंखें नेताजी, खुल गई नेताजी, आंखें खुल गई, खुल गई भाई साहब, खुल गई। मैं तो जाते तले उंगली दे गया, मुझे क्या मालूम था कि मेरे पीछे सब कुछ मुझको मुझसे छीन के लेके जाएगी, और दूसरे से रंगरलिया मना रही है दूसरे के साथ, हैं? सच्चाई यही है भैया, सच्चाई यही है, मैंने समझ गया, पहले समझना चाहिए तुम्हें, समझ गया, आते ही किसी के ऊपर नेतागिरी मत दिखाया करो अपनी, तुम भी आपको आपको मैं क्या कह रहा हूँ नेताजी, आपको अपनी घरवाली के साथ रहना नहीं रहना तो आप चुपचाप अपना रास्ता नाप और जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे नहीं मालूम तुम्हें किसके साथ रहना, तुम्हें शादी करनी है, राम राम मतलब नहीं है कोई, तेरे को रहना इसके साथ भाई, राम राम दूर से, दोनों जने चले जाओ। तो मैं कहाँ जाऊंगी फिर, आपको जाना है इनके पीछे, आप इनके पीछे पीछे जाओ, मेरे पीछे मत आइयो, गलती से भी इसके पीछे जा, क्या हुआ अपने? फोन लेके जा रहे हो नेता के, जाओ ना, वो देखो नेता भी यहाँ खड़ा, देख लो कोई शादी नहीं कर रहा तेरे साथ, दोनों कह रहे हैं, दोनों इसको छोड़ के तुम्हारे पास है, तुम भी मुझे छोड़ रहे हो, तो तू लाइक ही मेरे साथ, तो तू हाथ जोड़वा, मैं भाई कैद में जा सकता किसी के साथ, मैं फिर जाऊंगा अब, भाड़ में जा तू, अब तू रोड़े भटक, उसी लाइक है तू, पहले तू दो दो के साथ शादी कर रही थी, अब वो दोनों तेरे को छोड़ के जा रहे हैं, देख ले, बहुत बढ़िया, नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब किसी और को पकड़ रखा आपने शादी करने के लिए, कोई तीसरा बंदा, सॉरी चौथा बंदा, 3 शादियां तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, कोई चौथा है जिससे आप शादी करना चाहते हो? आवाज नहीं आ रही, ढूंढने में टाइम लगेगा, एक चौथा हमारा कैमरामैन है उससे शादी करना चाहोगे? कोई लड़की आती शादी नहीं करती उससे, हैं? नहीं करोगे?
हमारा एक टीम में मैनेजमेंट वाला बंदा है राहुल, उसके साथ शादी करोगे? वो आजकल एक लड़कियों के चक्करों में पड़ा हुआ है, करोगे? वो देख लो अच्छा लग रहा है, देखो एक वो दो दो ऑप्शन है, देख लो करनी है किसी के साथ शादी? नहीं, कैमरे में तो दिख ही रही हो, कर लो शादी यहाँ पे, अभी मंगलसूत्र मंगवा लेता हूँ। है अब तो आदत हो गई होगी ना तुम्हें तो मंगलसूत्र यूं डलवाने की, तीन तीन तो डलवा ली है, हैं? एक हमारे अंकल भी है कचौड़ी सॉरी चाट वाले, उनके साथ करना चाहोगी शादी? अंकल जी करोगे शादी? मेरी मेरी जो है ना बैंक से लिंक हो गया बाबू। अच्छा, मेरी वाली आधार कार्ड बैंक से लिंक है, मैं कैसे कर पाऊंगा? ये अंकल नहीं कर पाएंगे बताओ शादी, ना अंकल मान रहे, देखो ना अंकल शादी करने के लिए मान रहे, ना कैमरामैन शादी करने के लिए मान रहा, ना जो हमारी टीम को मैनेजमेंट करता है राहुल वो भी नहीं मान रहा शादी करने के लिए। आप एक काम करो किसी और को ढूंढ लो, है ढूंढ रहे हो, चलूँ आपके साथ? हेलो हेलो हेलो, बताओ यार, हद होती है कसम से, शादी है गुड्डे गुड़िया का खेल है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। नेता से पहले एक के साथ शादी करी थी, उसके बाद नेता को पकड़ लिया क्योंकि पैसा मोटा था, नेता से ही पेट नहीं भरा तो तीसरे बंदे को पकड़ लिया शादी करने के लिए, अब ये चौथा बंदा कोई मान ही नहीं रहा यहाँ पे, जो भी लोग हैं वो मान ही नहीं रहे शादी करने के लिए। भाई जब कोई लड़की चार चार शादियाँ कर सकती है, क्या आप लोग अपने चार दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब नहीं करवा सकते? इतना नहीं कर सकते, चार चार मंगलसूत्र पहनवा सकते? अंकल आपने मना करा ना शादी करने के लिए, चुप हो जाओ फिर, कोई नहीं मान रहा। बताओ ये अंकल तो उल्टा, अंकल कितने साल के हो? ओ अंकल कितने साल के हो? मेरा तो बाबू उम्र 55 की है और दिल 55 की है। 55 साल के अंकल है, ये भी मना कर रहे हैं, लेकिन आप तो अपने दोस्तों से, चार दोस्तों से एक चेन बना लो। भाई तू चार लोगों से सब्सक्राइब करवा, फिर वो चार से कराएंगे, ऐसा थोड़ा ग्रुप बनाओ यार, एक बढ़िया सी आर्मी बनाओ अपनी, कुछ तो करो यार। मैं इतना कुछ करता हूँ आप लोगों के लिए, क्या आप मेरी यार तो करते हो, लेकिन थोड़ा और भी एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा, समझ लो ना। तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, क्या आपको समझ आया नेता सही था, नेता की घरवाली या फिर उसका बॉयफ्रेंड, मेरे को नहीं पता लगा कौन सही था कौन गलत था। घरवाली यहाँ चली गई, नेता यहाँ चला गया, बॉयफ्रेंड भी यहाँ चला गया। तो भाई मैं तो यही हूँ, मेरा कैमरामैन भी यही है, ठीक है। बाकी हम आपको मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।